देवशयनी एकादशी के दिन दतिया के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सूर्य नगरी उन्नाव बालाजी में भगवान भास्कर की शोभा रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलती है, जिसे स्थानीय एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मेले का आयोजन होता है, साथ ही हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का आगमन सूर्य नगरी उन्नाव बालाजी में होता है। इसी के चलते शासन प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क बना हुआ रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैंड बाजों के साथ नृत्य करते हुए लोग भगवान भास्कर की शोभा यात्रा में नजर आ रहे हैं। वहीं रथ पर विराजमान भगवान भास्कर का यंत्र विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद नगर भ्रमण के लिए निकलता है, जहाँ नगर के मुख्य रास्तों पर आराध्य देव का स्वागत वंदन किया गया, लोगों ने पूजा अर्चना भी की है। आज जैसा कि भगवान सूर्य की रथ यात्रा निकाली जानी है, क्या तैयारियां हैं और क्या कहना रहेगा? बालाजी महाराज की रथ यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े जोर शोर और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, क्योंकि दो वर्ष कोरोना काल के कारण यह रथ यात्रा निकलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और लोगों को सही तरीके से दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन इस बार पूरी तैयारियों के साथ बालाजी महाराज की रथ यात्रा आज शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर नगर के पूरे चौराहों पर पूरे भ्रमण करते हुए वापस बालाजी धाम उन्नाव के प्रांगण में प्रवेश करेगी। तो प्रशासन की तैयारियां? प्रशासन द्वारा भी समस्त प्रकार की तैयारियां रखी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी टीम भेजी गई है, पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, अन्य विभाग PWD विभाग की तरफ से भी उन्होंने भी अपनी तैयारियाँ करके रखी हैं और मेला पूर्ण रूप से नियंत्रित करके रखा है। जिस प्रकार श्रद्धालु पहले आते थे, क्या इस बार भी? इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जो सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर अभी तक लगातार अनवरत रूप से जारी है आना जाना श्रद्धालुओं का। शुभ नाम आपका? हमारा नाम सुनील पंडा, बालाजी मंदिर कमेटी का मैं सदस्य हूँ। सर, जैसा कि आज भगवान भास्कर की रथ यात्रा निकाली जा रही है, प्रशासनिक तैयारियाँ क्या रही? सबसे पहले तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज प्रभु के दरबारों में ये अवसर मिला है, उनकी यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है। जहाँ तक प्रशासनिक तैयारियों की बात है, तो बिजली की व्यवस्था की गई है, सफाई की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो भी पॉइंट थे उनको भी माने क्लियर किया गया है और उस संदर्भ में भी काम किया गया है। सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त है और लोगों से अपेक्षा भी है, सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, सभी लोग हर्षोल्लास से इसको मनाएं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम मन इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और सभी लोगों के लिए इस त्यौहार की तरह इसको मनाएं, उत्सव के रूप में इसको लें। घर घर लगना चाहिए कि एक उन्नाव में कुछ हटके, आज कुछ स्पेशल है, ऐसी मेरी अपेक्षा है और सभी इसको शांतिपूर्ण सद्भाव से मनाएं और बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु के साथ साथ उसमें आज सभी भक्ति के उसमें रंग में हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर, क्या नाम है और क्या पोस्ट है? जी, मैं अजय प्रसिडिया नाथ तहिला इसी क्षेत्र से हूँ और इस व्यवस्था को देखते हैं।